बादाम खाने में मीठा और तीखा दोनों तरह का होता है। आपको बता दें कि मीठा वाला बादाम खाने में इस्तेमाल किया जाता है और तीखा वाला बादाम तेल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बादाम में अधिक मात्रा में न्यूट्रिशन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन ई और कैल्शियम, फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बादाम ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद होता है, या फिर शरीर की नर्व और मांसपेशियों की क्रिया विधि को सामान्य रूप से चलाने में मदद करता है। कई सारे न्यूट्रिनिस्ट यह मानते हैं कि कच्चे बादाम की तुलना में भीगे हुए बादाम का सेवन करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि रात भर इसे भिगाने के बाद इसके छिलके में मौजूद टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, यानी कि उसमें जो गर्मी होती है, उसमें जो जहर होता है, उसमें जो बेकार चीज़ें होती है, वो रात को भिगाने के बाद जो है निकल जाती है और ज़्यादातर फायदा हमें मिल जाता है। आइए हम आपको भीगे हुए बादाम खाने के फायदे के बारे में बताते हैं। तभी कहते हैं दोस्तों कि रात को बादाम जो है ना भिगो लेने चाहिए। हमारे बड़े बूढ़े हमसे कहते हैं कि रात को बादाम को जो है भिगो देना चाहिए, उसके बाद ही सुबह उठकर जो है, मतलब सुबह या कभी भी खाओ, मतलब उसको रात को भिगो के सुबह खा लो, मतलब 6 घंटे 7 घंटे तक उसकी गर्मी निकल जाती है। 6 7 घंटे तक पानी में भिगो के रखो तो उसकी गर्मी बाहर निकल जाती है, गर्मी निकल जाती है, जो टॉक्सिन उसमें जो होते हैं वो सब निकल जाते हैं। इसलिए कच्चे बादाम नहीं खाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलिए आज हम आपको जो है ना 10 फायदे बताते हैं इसके, कि क्या क्या फायदे आप इससे ले सकते हो, मतलब भीगे हुए बादाम से, मतलब भिगो के खाने, भिगो भिगोने के बाद जब आप बादाम खाओगे तो उससे आपको 10 तरह के फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा, पाचन बढ़ाता है। जब बादाम को भिगो कर खाया जाता है तो यह आसानी से पच जाता है और पाचन की संपूर्ण क्रिया को सुचारू रूप से चलाता है और पेट को स्वस्थ रखता है। दूसरा फायदा, प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए अच्छा होता है। गर्भवती महिलाओं को भीगे बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे दोनों स्वस्थ रहते हैं। फायदा नंबर 3, दिमाग स्वस्थ रखता है। डॉक्टर्स का यह मानना है कि रोजाना सुबह 4 से 6 बादाम का सेवन करने से आपकी मेमोरी तेज़ होती है, यानी कि आपकी याददाश्त तेज़ होती है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक से काम करता है, जिससे दिमाग स्वस्थ रहता है। फायदा नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बादाम में मौजूद मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और विटामिन ई की वजह से यह शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। फायदा नंबर 5, हार्ट के लिए, यानी कि दिल के लिए अच्छा होता है। भीगे बादाम में मौजूद प्रोटीन, पोटेशियम और मैग्नीशियम हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं, यानी कि दिल को अच्छा, स्वस्थ, मजबूत, तेज रखने में जरूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से यह हार्ट की खतरनाक बीमारियों को भी दूर करते हैं। फायदा नंबर 6, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है। भीगे हुए बादाम में ज़्यादा पोटेशियम और कम मात्रा में सोडियम होने की वजह से यह ब्लड प्रेशर के साथ और दूसरी हार्ट से जुड़ी समस्याओं को नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम की वजह से यह ब्लड के प्रभाव को भी सुचारू रूप से नियंत्रित करता है। फायदा नंबर 7, वजन को कम करता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में भीगे हुए बादाम को शामिल करें। ऐसा करने से आपको देर तक भूख नहीं लगती है, जिससे आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। फायदा नंबर 8, कब्ज दूर करता है। भीगे हुए बादाम का सेवन करने से आपको कब्ज आदि की समस्या नहीं होती है, क्योंकि बादाम में अधिक मात्रा में फाइबर होता है, जिसकी वजह से आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। फायदा नंबर 9, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। कई सारी स्टडी के अनुसार भीगे बादाम में प्रीबायोटिक गुण होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रीबायोटिक गुण होने की वजह से यह आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया के निर्माण को बढ़ाता है, जिससे ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है जिसका असर आपकी आंतों पर पड़े। ठीक है दोस्तों, तो फायदा नंबर 10, सबसे लास्ट, त्वचा की एजिंग को दूर करता है। यानी कि बादाम खाने से आप दिखने में छोटे लगोगे, उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी स्किन के हिसाब से आपकी एज कम लगेगी, यानी कि आपके फेस पे रिंकल्स नहीं होंगे, यानी कि आपकी स्किन सिकड़ेगी नहीं। स्किन से झुर्रियों को दूर करने के लिए कोई और चीज़ें इस्तेमाल करने के बजाय आपको भीगा हुआ बादाम खाना चाहिए, क्योंकि यह एक नेचुरल एंटी एजिंग फूड माना जाता है। सुबह सुबह भीगे हुए बादाम का सेवन करने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है और आपकी त्वचा स्वस्थ रहती है। तो दोस्तों, अब आपको हमने जो है 10 फायदे बता दिए हैं कि भीगे हुए बादाम खाने से आप 10 तरह के फायदे ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से आपको जरूर बादाम खाने चाहिए, कम से कम 5 बादाम आपको डेली खाने चाहिए। मैं डेली 10 बादाम खाता हूँ, भीगे हुए बादाम 10 10 बादाम डेली खाता हूँ मैं। ठीक है, सुबह या दिन में मैं खा लेता हूँ डेली।
और ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे हमारा दिमाग बहुत तेज होता है, जो हमारे दिमाग में टेंशन बनी रहती है, हम डेली कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन वेंशन करते हैं, तो वो जो उससे हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत भारी हो जाता है, सर में दर्द होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है हमारा दिमाग, हमारा सर, तो ये बादाम खाने से जो है हमारा जो हमारे सर की मांसपेशियां होती हैं, हमारे दिमाग की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती है, इस वजह से हमें स्ट्रेस कम होता है, टेंशन कम होती है, तो ठीक होता है बादाम खाना। अब आपको पता चल ही गया कितने सारे फ़ायदे हैं बादाम खाने के। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, ऐसी और भी वीडियो फूड से रिलेटेड हेल्थ से जुड़ी वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।